नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के चचाई हाई स्कूल में पदस्थ प्रभारी प्राचार्य को हटाने के लिए अब छात्र छात्राओं के अभिभावकों ने मोर्चा खोल दिया है। प्रभारी प्राचार्य का शराब के नशे में कक्षा के अंदर सोते हुए वीडियो वायरल होने के बाद अब कलेक्टर, एसपी और जिला शिक्षा अधिकारी तक शिकायत पहुंची है। वहीं अभिभावकों का कहना है कि जल्द से जल्द ऐसे प्राचार्य को हटाकर स्कूल की व्यवस्था सही की जाए और दूसरे प्राचार्य की पदस्थापना की जाए। हम आपको बता दें, दो दिन पूर्व शासकीय हाई स्कूल चचाई के प्रभारी प्राचार्य मुन्नालाल कोल का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें प्रभारी प्राचार्य शराब के नशे में क्लास रूम के अंदर सोते हुए नजर आ रहे थे। वहीं प्रभारी प्राचार्य की इस हरकत के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग की एक टीम कल मौके पर जांच करने भी पहुंची थी। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए छात्र छात्राओं के अभिभावक आज कलेक्टर, रीवा पुलिस अधीक्षक रीवा और जिला शिक्षा अधिकारी रीवा से प्राचार्य को हटाने के लिए शिकायत की है। साथ ही स्कूल में दूसरे प्राचार्य को पदस्थ कर स्कूल की शैक्षणिक व्यवस्था सुधारने के लिए निवेदन किया है। अभिभावकों ने बताया कि प्रभारी प्राचार्य रोजाना शराब के नशे में स्कूल पहुंचते हैं, जिससे पठन पाठन का कार्य पूरी तरह से अव्यवस्थित है। प्रभारी प्राचार्य की इस हरकत से छात्र छात्राएं सहित स्कूल के शिक्षक भी परेशान हैं। मामला है, क्या शिकायत लेकर के आए हैं? सर, हमारे गांव में स्कूल है, हाई स्कूल है, तो वहां के प्रिंसिपल हैं जो हैं तो मुन्नालाल कोल हैं, वो डेली दारू पी के आते हैं। कब? ये 18 तारीख की बात है। 18 तारीख को वहां पर दारू पी के गाली बक रहे थे, तो बच्चों ने वहाँ से बताया किसी को, हमको ही पता चला, तो हम लोग गए वहाँ पर। जब गए तो बहुत करीब 30 आदमी हम लोग वहाँ इकट्ठा हो गए और 100 नंबर को डायल किया कि पुलिस वाले को बुला लें, फिर इनका शिकायत करवाएं। इतने में ये गए तो एक कमरा में बच्चों को भगा करके और उसी पे टाट पे लेट गए और सोने का नाटक कर रहे थे कि सो गए थे उसमें। बस्ता भी इतने में 100 नंबर आ गए। 100 नंबर वाले उनको देखा और उनका वीडियो भी लिया और फिर उनको उठाए, पूछे कि क्यों मार साहब, तबीयत खराब है क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारी तबीयत नहीं खराब है, कहीं क्यों, क्या पी लिए हैं, क्या गंधा रहे थे, तो बोले कि पी लिए हैं क्या, कहीं हाँ सर पी लिए हैं, यही बोल रहे थे वहाँ पर। बोले तो हम लोग चाहते हैं कि उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए वहाँ से, वो डेली दारू पी के उनका बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, वहाँ कोई मास्टर नहीं पढ़ाने पाते हैं उनके लगाए। तो हम लोग सब यही आए हैं यहाँ कलेक्टर साहब। जिले में सरकार नशा अभियान भी चला रही है जी, तो क्या मानते हैं नशा अभियान से रिलेटेड, इसका कुछ है? ये नशा अभियान का तो हम लोग बड़ा प्रयास किए, बड़ा इसका जो वो किए, कजानी कितनी अर्जियाँ दिए, कजानी कितना वो किए, पर इसका कोई समाधान नहीं मिल रहा। कहाँ शिकायत करी? अभी हम लोग कलेक्टर साहब के यहाँ किए हैं। क्या बोला कलेक्टर? अभी मिले नहीं हैं, वो मीटिंग में थे। ये जूनियर, ये हाई स्कूल चचाई है जी जी। आपके क्या नाम है? धनेन्द्र सिंह। बच्चे पढ़ते हैं आपके? नहीं, हम बच्चे तो नहीं पढ़ते हमारे, पर वहाँ का मैं एक नागरिक होने के नाते। संख्या कितनी है स्कूल की? वहाँ होगी 50-60 के लगभग होगी।